हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बुधवार को सिविल वर्कर्स के ठेकेदारों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने ठेकेदारों की समस्याओं को जाना। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल पत्रकारों के साथ रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की समस्याओं को लेकर आज उनके साथ मीटिंग की गई। उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी। उन्होंने आगे कहा कि एचएसआर की नई सूची तैयार होगी जो 1 मार्च को लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इनसे सुझाव भी मांगे गए हैं, उनके सुझाव पर विचार कर 10 दिन में नई पॉलिसी बनाई जाएगी। सरकारी सुविधाओं को ऑनलाइन करना सरकार की प्रमुखता है। लगभग सभी सुविधाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। जो सुविधाएं ऑनलाइन प्रदान करनी बाकी है उन पर जोरों से काम चल रहा है। पत्रकारों के सवाल के जवाब का उत्तर देते हुए सीएम ने कहा कि किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालना दिल्ली पुलिस और किसान के बीच का मामला है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। यहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खट्टर ने सिविल इंजीनियर से मुलाकात की थी। कॉन्ट्रैक्ट में पारदर्शिता के लिए बड़ा फैसला लिया गया। ई ट्रेडिंग व्यवस्था में सभी टेंडर शामिल होंगे। यहां आपको बताते चले कि कई विभागों से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर्स की कई मांगे आज पूरी कर दी गई है। 20 दिन पेमेंट लेट होने पर ब्याज भी दिया जाएगा। बताते चले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बुधवार को सिविल वर्कर्स के ठेकेदारों के साथ मीटिंग की और कई अहम फैसले सुनाए। चंडीगढ़ से संवाददाता खुशबू नेब की रिपोर्ट। मित्रों, सबसे पहले तो आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव है और मैं इस अवसर पर जनता को, सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज अभी हमारी जो ये मीटिंग थी, ये जितने भी सिविल वर्क्स के कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग विभागों में काम करते हैं, उसमें PWD भी है, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, रूरल डेवलपमेंट के काम हैं अथवा इरिगेशन के हैं या HSVP के हैं, ऐसे सब विभागों के जो सिविल वर्क्स के कॉन्ट्रैक्टर्स, उनकी मीटिंग थी। बहुत दिनों से इनके कई तरह की कठिनाइयों के पत्र मिल रहे थे, समस्याओं की जो जानकारी हमको मिल रही थी, सभी डिपार्टमेंट्स ने मिल करके उसमें कई सुधार किए हैं और वो सारे सुधार उनको बताए गए हैं। जैसे विशेष तौर पर उल्लेख करने के लिए, जो HSR रेट्स की एक सूची सन 1987 से बनी थी, अभी तक उसको रिवाइज नहीं किया गया था, तो पिछला कुछ समय लगा करके हमारे कुछ इंजीनियर्स ने मिलकर के उसकी नई एक सूची तैयार की है, रेट्स नए बनाए हैं, वो 1 मार्च 2021 को लागू हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी मांग जो है इन लोगों की पूरी हुई है। इसी प्रकार पारदर्शिता लाने की दृष्टि से सभी जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको अब ऑनलाइन सिस्टम से किया गया है, चाहे उसमें टेक्निकल इवेल्यूशन है, चाहे बिडिंग है, और काम की जो अलॉटमेंट है वो भी ऑनलाइन ही अब हुआ करेगी, उसमें कम से कम हस्तक्षेप ये सब किया जाएगा। इसी प्रकार से इनके कामों में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उसमें इनको हल करने के लिए सुझाव भी मांगे गए हैं, वो सब सुझाव ये लोग लिख के देने वाले हैं और आने वाले 10 दिनों में उन सबके ऊपर विचार करके और एक नया इनके पॉलिसी नीति बना करके घोषित की जाएगी, जिसके अंदर इनको सबको लाभ मिलेगा। समय के ऊपर इस इनकी जो बिल्स हैं उनको पास करने का काम, उसका भी टाइम बाउंड का कर दिया है, और इनके जो पेमेंट्स हैं वो भी, जो बिल पास होने 30 दिन के अंदर इनको पेमेंट्स होंगी, 30 दिन के बाद अगर पेमेंट लेट होती है तो 10% का इंटरेस्ट भी इनको दिया जाएगा, इससे भी वो बहुत संतुष्ट हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आए थे, उनकी सबकी पेमेंट्स हो चुकी हैं, ये सब उससे संतुष्ट हैं, लेकिन कभी कभी किसी कारणों से ये जो बिल पास करने में कुछ डिपार्टमेंट की ओर से जो कठिनाइयाँ आनी थी उसको भी दूर किया है। अब 21 दिन के अंदर अंदर उनके बिल जो पास होंगे, अगर बिल पास होने में भी देरी होगी तो भी उनको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.